राम राम सा सीकर क्लासेज ऐप के माइन थारू घणो घणो स्वागत है। तो आपां पहली क्लासिफिकेशन पद्धति देखी, बी के बाद के मायने आपां थोड़ो सो डीडीसी के ऊपर मेलविन डेविस साहब के बारे चर्चा करी थोड़ी। और अब जो डीडीसी जो क्लासिफिकेशन पद्धति है बी का 23 संस्करण जो मैं थाने बताए हो बाकी मारा थोड़ा सा अध्ययन करा। तो आज टॉपिक पे सीधा ही बात करा। डीडीसी की फुल फॉर्म तो मैंने आपको 2-3 बार पहले बताई दी है कि भाई डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति। अब बात करते हैं कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति कौन सी पद्धति पर आधारित है। तो सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो आई थी हेरिस की पद्धति। किसकी? हेरिस की। कब आई थी भाई ये आई थी 1695 के अंदर। कब आई? 1695 के अंदर। उसके बाद में आती है बेकन की पद्धति। किसकी भाई? बेकन की पद्धति। अब ये जो बेकन की पद्धति है वो आती है 1870 के अंदर। ठीक है, 1870 के अंदर जो बेकन की पद्धति आती है उसको ही उल्टा करके, कौन सी पद्धति को? बेकन वाली पद्धति को, सॉरी बेकन वाली पद्धति को उल्टा करके लिख देते हैं अपन क्या? डीडीसी, बेकन की पद्धति, पद्धति को। उल्टा करके लिखा गया किसको? डीडीसी को। किसको भाई? डीडीसी को। अब डीडीसी लिखी किसने थी? तो पहले अपन इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि मेलविन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। इसका पहला संस्करण था वो 1876 के अंदर आया था। कब आया था? 1876 के अंदर। ठीक है, एक बात तो ये थी कि ये इनका पहला संस्करण था, इनको इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि कैसे बनानी है, क्या करनी है, कहाँ अपना नाम देना है, कहाँ नहीं देना है। उसके लिए इन्होंने इस संस्करण का जो नाम रखा था पहले तो एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट्स ऑफ लाइब्रेरी, ये तो इन्होंने पहले संस्करण का नाम रखा था। और दूसरी बात, इसमें 44 पृष्ठ थे टोटल। कितने पृष्ठ थे? 44 पृष्ठ थे। अब 44 पृष्ठ कैसे हुए कि देखो 12 पृष्ठों की तो अनुसूची, 12 पृष्ठों की भूमिका लिख दी, 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका लिख दी, और 2 पृष्ठ क्या क्या इन्होंने बाद में जोड़ा था। डीडीसी के प्रथम संस्करण में 1000 विषय थे जो कितने 000 से लेके 999 तक विभाजित किए गए। ठीक है भाई, डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने उदाहरणों का संलेख, मतलब होता है उदाहरण, क्या होता है? उदाहरण। तो 200 उदाहरणों का उपयोग किया गया था। इसमें मेलविन डेवी साहब ने अपना नाम नहीं दिया था। पहले संस्करण में मेलविन डेवी साहब ने अपना नाम नहीं दिया था। नाम दिया था लेकिन कहां दिया? तो अंतिम पृष्ठ पर, जो डीडीसी थी जो इन्होंने प्रथम जो इसका संस्करण निकाला था उसके अंतिम पृष्ठ पर अपना नाम लिख दिया भाई। अब उस नाम का तो कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना पहले वाले से, तो यहां से पहला तो पूछ लेगा कि भाई प्रथम संस्करण आया कब? 1876। दूसरा सबसे मोटा ये क्वेश्चन ज्यादातर बनता है कि प्रथम संस्करण का नाम क्या था। तो इसके अंदर क्या करता है कि चार बड़े बड़े अपने को ऐसे ही ऑप्शन दे देता है जिनमें अपन क्या, या तो उनमें से कैटालॉगिंग की जगह क्लासिफिकेशन कर दिया, इंडेक्स की जगह इंडेक्सिंग कर दिया, या फिर इसमें से क्या करता है कि बुक्स बुक कर दिया, पंपलेट्स हटा दिए, ऐसे कुछ करके अपने को चार ऑप्शन वही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सही होता है वो होता है एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे संस्करण की, क्योंकि संस्करणों में जितने क्वेश्चन बनने हैं यहां से ही बनने हैं। अपन बात करते हैं डीडीसी के प्रथम संस्करण के, जो ये 1000 विषय थे ना इनकी अपन आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से ये 1000 विषय। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले वाले संस्करण पे। ये लो जी दूसरा संस्करण।
अब इनकी डेट भी अपने को क्रम से याद रखनी है। डेट भी पूछी जाती है कि चौथा संस्करण कब आ गया, पांचवा संस्करण कब आ गया, आठवां संस्करण कब आ गया, नौवां संस्करण। ज्यादातर जो डेट पूछी जाती है वो एक से तीन तक पूछी जाती है, फिर 19वें की, 20वें की, और जो नए वर्जन है 21, 22 और 23 उनकी डेट पूछी जाती है। लेकिन अपने को क्या है कि पूरा टोटल जो 23 संस्करण है उन सभी को याद करके चलना है, और याद ऐसे यहीं की यहीं होते जाएंगे। एक आजकल इनके प्रश्नों के लिए भी पूछने लग गया कि कौन से संस्करण में कितने प्रश्न हैं। तो दूसरे संस्करण की अपन बात करें तो 1885 कब आया भाई, 1885 जो पहला कब आया था 1876, उसमें 9 प्लस कर दो भाई, 76 में 9 प्लस कर दो, कितने हो गए 85। ठीक, ये याद रखना अपन ने कितने प्लस किए हैं, ये आगे काम आएंगे अपने। 9 प्लस कर दिए, कितने हो गए 85 हो गए, चलो ठीक है। अब पेज कितने थे उसमें, 44, और इसमें कितने दे दिए 314। कितने प्रश्न हो गए, पहला क्वेश्चन संस्करण कब आया 85 के अंदर, दूसरा क्वेश्चन 314 पेज कितने हैं 314। अब संस्करण का नाम क्या था, उसमें नाम बड़ा था इसमें छोटा कर दिया इन्होंने, तो नाम क्या किया, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहां से, संस्करण कब आया, पेज और संस्करण का नाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं संपादक का नाम। ठीक है भाई, अब संपादक का नाम इसमें कौन कौन था, डब्ल्यू एस बिस्को और मेलविन डेवी। ये बिस्को अपने बड़े काम की चीज है, आगे तक चलते रहेंगे साथ में अपने। तो डेवी साहब ने दूसरे संस्करण में सर्वप्रथम अपना नाम दिया भाई। पूछ ले कि मेलविन डेवी का नाम कौन से संस्करण में सर्वप्रथम आया, तो कौन से संस्करण में, दूसरे में आया भाई। अपने को ऑप्शन वहां देखने को लिए मिल जाएगा कि कौन सा संस्करण, तो दूसरे में बताना है अपने। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं प्रथम बार सामान्य एकल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन आइसोलोट का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब जो कॉमन आइसोलोट थे उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया फ्रॉम डिवीजन। ठीक है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, स्वरूप विभाजन के नाम से उनको संबोधित किया गया था। ठीक है, यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं जल्दी दूसरे संस्करण से। अपन बात करते हैं तीसरे संस्करण की। ठीक है, जो तीसरा संस्करण आया था वो आया था 1888 के अंदर। अब देखना, वो मैंने 9 बताए थे ना आपको, ये बड़े काम की चीज है भाई। अब 9 के अपन डिवाइड कर दो 3 से, तो 3-3 के 3 टुकड़े हो गए भाई, कितने हो गए 3 टुकड़े हो गए। ठीक है जी, अब जो 85 उनमें 3 प्लस कर दो, कितना हो गया 1888 आ गया संस्करण, कौन सा, तीसरा। पेज कितने हो रहे हैं, यहाँ 314 थे, यहाँ 416 हो गए। ठीक है जी, संस्करण का नाम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यहां से इसका नाम क्या पड़ गया, डीडीसी। तो पूछ ले कोई आपसे कि डीडीसी का नाम कौन से संस्करण से डीडीसी पढ़ा, तो तीसरे संस्करण से इसका नाम डीडीसी पढ़ा। संपादक की अपन बात करें तो वही है, मेलविन डेवी साहब और बिस्को। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। अपन बात करते हैं अब चौथे संस्करण की, कि चौथा संस्करण कब आया। अब इनमें कुछ नहीं पूछता, ज्यादातर पेज वेज भी नहीं पूछता, आज तक तो पूछा नहीं हुआ कि पता नहीं भाई। अब इनके पेज वेज की अपन संख्या देख लेते हैं, इनमें कोई स्पेशल तो कुछ आया नहीं था, बस कोई स्पेशल नहीं आया इनमें, और जो आया है वो उनमें से ज्यादातर उनकी डेट पूछ सकते हैं और पेज के नंबर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वही तीन आगे, जो अपन ने तीन का डिवाइडेशन किया था ना, 3 × 3 + 3 + 3 कितने हो गए थे वो 9, वही चलते रखो भाई। 1-3 अपन ने काम में ले लिया था ये वाला पहले, अब ये ले लो जी। तो वहां कितना था, 88 × 3 कितना होता है 91 जी, कितना हो गया 91। ठीक है, वही आ रहा है तीन काम में। तो चौथे संस्करण की डेट हो गई कितनी, कहा प्रश्न कितने हो गए 466, उधर कितने थे 416 जी। ठीक है जी, पहले में 44, दूसरे में 314, तीसरे में 416 और चौथे में 466 जी। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन पांचवें संस्करण की। ये लो जी, पांचवा संस्करण, वही 3 प्लस करते चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने, ना ही एग्जाम में लगाना है अपने को ज्यादा दिमाग की भाई पता नहीं कब आया था कब नहीं आया। पहला संस्करण याद कर लो, 9 जोड़ दो, फिर 3-3 घटाते रहो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब वही 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 91 और 3 94 जी, आ गया अपना पांचवा संस्करण। ठीक है, अब प्रश्नों की संख्या, चौथे से 1 प्लस कर दो कितना हो गया, वही चौथा संस्करण में जैसे 466 थे, तो यहाँ कितना हो गया 67। एक ही पेज बड़ा था इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है माता पची, और यहां तक ज्यादातर पूछते हैं प्रश्नों की संख्या। ठीक है जी, चलो देखते हैं आगे छठा संस्करण।
अब छठे संस्करण को अपन को यहाँ खत्म करना है एक बार कैसे, कि भाई वो तीन तीन की गिनती कंप्लीट होगी, अब आगे कैसे याद रखेंगे इनको। इनको याद रखने के लिए देखो जी, अब जो अपना जो 1800 का काल चल रहा था उसको समाप्त कर दो। किसको कर दो? जो 1800 का काल चल रहा था। 1800 का काल समाप्त कैसे होगा? तो 1800 का काल समाप्त जो होगा वो 1899 पे जाके होगा ना, फिर 1900 लग जाएगा ना उसके बाद में। तो समझ में आया भी, तीन तीन उसमें प्लस किया फिर इसको समाप्त कर दो जी, कितना हो गया 1899। ठीक है जी, संस्करण कब आ गया था? 1899। प्रश्न कितने थे जी? 511 थे जी, ध्यान रखना इस चीज को। कितने प्रश्न थे? 511। ठीक है, अब ये जो आए हैं वो 1800 की गिनती में आए, कितने संस्करण? 6। ठीक है, याद रखना इनको कि 1800 के अंदर अंदर 6 संस्करण आ गए, उनमें से पहला चंद्र में आ गया था, उसके बाद में 85, 85 के बाद में 3 प्लस कर दो 88, 88 के बाद में 3 प्लस करते रहो 91, 91 के बाद में 3 प्लस करते रहो 94, 94 के बाद में अपने को अंतिम करना है, मतलब 1800 की डेट ही खत्म करनी है अपने को। कितने हो गए जी? 99। ठीक है जी, अब देखो सातवां संस्करण। अब ये 1900 वाले जनरेशन में घुस गए जी। पहला संस्करण कब आया? 1911। इनको भी आसान याद करने का एकदम आसान तरीका है, ठीक, वो क्या है? सबसे पहले याद रखो कि पहला मैं सातवां जो संस्करण था वो 1911 के अंदर है। ठीक है, प्रश्न कितने थे? 792। ठीक, आठवां संस्करण, वो दो इनमें क्या है कि जैसे सीधा इनमें क्या है कि जैसे दो दो अपने को प्लस करना है, विषम संख्या अपने को चुननी है, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 19, 117 को भूल जाना है और बाकी याद रखना है। ठीक है, वही डेट यहाँ मिलेगी आपको। सातवां संस्करण 1911, आठवां संस्करण 1913 और नौवां संस्करण है वो 1915 के अंदर, और दसवां संस्करण है जो 1919 के अंदर। बस ये याद रखो। अब क्या होता है कि एक मिनट देखना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, कि क्या क्वेश्चन बनता है? एक एक सॉरी एक दो तीन चार पांच छह और सात। ये समझ में आया आपको? पहले तो इनकी डेटें याद होगी समथिंग, सारों की पेज अपने को ज्यादातर याद नहीं रखने हैं, पांचवें संस्करण का ले लिया और आगे आगे अपने देख चलेंगे कौन से को याद करना है अपने को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बार डीडीसी का संपादक कौन, किसने संपादन किसने किया, ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है। मतलब चौथे से लेकर दसवें तक कितने बार हो गया? सात बार। किसने कर दिया? इमे सोमोर, क्या है जी? इमे सोमर नाम से व्यक्ति था, उन्होंने सबसे ज्यादा इसको क्या किया, संपादित किया था। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चौथा 91, 94, फिर 1800 वालों को खत्म करेंगे तो 99, फिर 1900 लग जाएगा, 1911, 13, 15 और 19। इसमें 17 नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। कितने संस्करण हो गए जी? 10 संस्करण हो गए। इनको हार्ड नहीं है कि भाई इनको याद कैसे करें, दिक्कत आएगी, वो होगा, कुछ नहीं होना ऐसा, बहुत इजी है। आराम से अगर इनको देख के चलेंगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे अपने को। अब बात करते हैं अपन 11वें संस्करण की। ठीक है जी, कब आया? 1922। याद रखो 11 दुनी क्या होता है? 22, लगा दो आगे, क्योंकि पढ़ लिया था अपन ने 19 तक तो देख लिया था, उसके बाद में देखो 11वां 22 में। ठीक है, पेज 988 जी। ठीक है, 12वें की अपन बात करें, 12वां संस्करण है वो आ रहा है 1927। ठीक है, इसमें पेज कितने हैं? 1243 सॉरी, प्रश्न वही है 22 के बाद में 27, दो ही लेने हैं अपने को। 21 और 30 के बीच में दो ही संस्करण आए थे, एक आया था 22 में, दूसरा आया था 27 में। 11वां आ गया 22 में और जो 12वां था वो आ गया 27 में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इतने तरीके से तो किसी ने नहीं बताया होगा आपको अभी तक, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं अपन 13वें संस्करण की। ये इसका क्या है कि एक मेन संस्करण है, क्यों माना जाता है ये मेन संस्करण? क्योंकि यहाँ मेलविन डेविस साहब की मृत्यु हो जाती है, 31 में हो जाती है उनकी मृत्यु, उसके बाद में ये संस्करण आता है। ठीक है,
ये देखो कब आया, 1932 में। मृत्यु कब हुई थी उनकी, 1931 के अंदर, उसके बाद में यही संस्करण आया था। ठीक है, इसका संपादक कौन था, संपादक की अपन बात करें तो भाई मेलविन डेवी साहब तो अब संपादक रहे नहीं। ठीक है, तो नया संपादक आएगा। अब देखना इस चीज को ऐसे याद रखना कि आप एग्जाम में भूलो नहीं कि भाई मेलविन डेवी साहब चले गए, दुनिया छोड़ गए, तो डीडीसी क्या हो गया, डीडीसी के लिए दरवाजे बंद हो गए। ठीक है, क्या हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब उनको खोलने के लिए कोई आएगा तो उनको अपन क्या बोलेंगे कि भाई गेट खोलने के लिए कोई तो आएगा ना, तो एक तो आ गया गेट। ठीक है, खोल दिया आके, किसने, गेटवेल ने। ठीक है, अब गेटवेल कोई दरवाजे में आता है तो उसका स्वागत करते हैं क्या, डाल के फ्लोर फूल डाल के, हो गया। याद रखना 13 के अंदर उनकी मृत्यु, सॉरी 13वें संस्करण। कोई पूछ ले आपसे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 13वां संस्करण कब आया था, तो 1932 के अंदर, याद रखना 1931 के अंदर तो उनकी मृत्यु हो गई थी और 32 में यह संस्करण आया था। ऐसे भी पूछ सकता है कि मेलविन डेवी साहब की मृत्यु के बाद कौन सा संस्करण आया, तो याद रखना कि 13वां आया था, ये याद रखना है। इसमें संपादक याद रखना, आराम से मैंने आपको बता दिया है कि संपादक कौन है इसका। भाई डीडीसी में संपादक जैसे वो मेलविन डेवी साहब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जैसे दरवाजे बंद हो गए तो गेट खोल दिया, किसने, गेटवेल ने, डब्ल्यू गेटवेल, एम डब्ल्यू गेटवेल, एक तो ये हो गई जी। फिर जब अपन किसी के दरवाजे पे जाते हैं, गेट खोलते हैं, तो उसका स्वागत किया जाता है किन से, उल्लू से जी साहब, हो गया। फ्लोर डी डोरा कैसे, फ्लावर, ये ध्यान रखना। इसका प्रकाशन है ना पॉकेट संस्करण के रूप में किया गया था। पॉकेट संस्करण का मतलब होता है छोटा संस्करण, क्या होता है, छोटा संस्करण, याद रखना भाई इसको। एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डीडीसी में कौन से संस्करण को पॉकेट संस्करण के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है 13वें को। इसमें सामान्य एकल फ्रॉम डिवीजन जिनको जाना गया था, कब आए थे, दूसरे संस्करण के अंदर, इनमें सामान्य एकल फ्रॉम डिवीजन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया भाई, कॉमन आइसोल नोट। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया। अल्टरनेटिव शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि छोटे पुस्तकालयों के लिए जो एक डीडीसी को काम में लिया गया था, ये छोटा जो संस्करण बनाया गया था, छोटे पुस्तकालय के रूप में उनको काम में लिया जाता था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, 13वें में मेन मेन क्या हुआ, 32 में संस्करण आया, ये याद रखना, डोरेकस फ्लोर और गेटवेल संपादक के लिए पूछ सकता है और पॉकेट संस्करण के लिए पूछ सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि भाई यहाँ जो सामान्य एकल थे वहां दूसरे संस्करण में, वो किस नाम से थे, सॉरी फ्रॉम डिवीजन के नाम से थे, और यहाँ उनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, कॉमन डिवीजन के नाम से कर दिया गया। इसमें इसको अल्टरनेटिव शेड्यूल्स भी कहा जाता है। बस इतना ही है 13वें संस्करण में, कुछ ज्यादा नहीं है और बाकी क्वेश्चन बढ़ते भी नहीं है मेरे हिसाब से तो यहाँ से। अब बात करते हैं अपन 14वें संस्करण के जी। 14वां जो संस्करण है 1942 के अंदर आया था, कब आया, 31 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और 42 में जो संस्करण आया था वो पूरे 10 साल बाद आया। आपसे कोई पूछ लेगा, ध्यान रखना है उस चीज का कि 13वां आया 32 के अंदर, 14वां कब आ रहा है, पूरे 10 साल बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। किसी ने खोल के नहीं देखा भाई आगे बढ़ाना है इसको, नहीं बढ़ाना है। ठीक है जी, सीधा आराम से इजीली तरीके से याद हो रहा है, 32 के बाद में 10 जोड़ दो, 10 साल बाद में आ रहा है कौन सा संस्करण, 14वां जी। ठीक है, पेज कितने आ रहे हैं उसमें, 1927। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, यहाँ संपादक कौन है। अब देखो जी, इनको जो याद करना है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद रखना आप कैसे, ये यहाँ फ्लावर गलत हो गया जी थोड़ा सा। देखो जो 13वां संस्करण आया कब आया, 32 के अंदर, किसकी मृत्यु के बाद, देवी की मृत्यु के बाद में। अब क्या होता है कि ये जो काम करेगा, 10 साल किसमें लगे, यही तो लगे 10 साल, यही तो लगे थे किसमें, ये गजनी बन गए थे साहब, क्या बन गए थे, गजनी बन गए थे। काम करते 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 इनका सरदर्द हो गया, अरे लास्ट में बन गए गजनी, गजनी से याद रखना मेजनी, कौन सेट इन मेजनी। संपादक के लिए आपसे पूछे कि 10 साल कैसे लग गए, तो साहब 10 साल में जो आदमी लगातार काम करेगा वो गजनी बन के रह जाएगा, आमिर खान वाला। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ होगी कि लास्ट में क्या बन गए, गजनी। तो गजनी से याद रखना आप, कौन सेटिंग, मेजनी, 14वें संस्करण के लिए। और दूसरा कौन था, वही गेटवेल जी, यहाँ कौन हट गया, फ्लोवर। बस इतनी देर स्वागत करते हैं अपन फूलों से, फिर भूल जाते हैं, 10 साल में तो फूल भी सूखे। अब देखते हैं इसमें सारणी का प्रयोग किया गया, टेबल्स जिसको बोलते हैं, टेबल्स अपन आगे पढ़ेंगे, टेबल्स होती क्या है। ठीक है, अपन टेबल के लिए
आगे पढ़ेंगे कि टेबल कितनी है, क्या है, कैसे है। टेबल भी बिल्कुल इसी तरीके से, इजी तरीके से यही की यही याद होती जाएंगे। इसमें क्या है कि रेमिफिकेशन, क्या उदाहरण का प्रयोग किया गया। रेमिफिकेशन होता क्या है इसमें, होता है सॉरी, रेमिफिकेशन का मतलब होता है भागों तथा उपभागों में बांटना, विषय को सॉरी विषय के विषयों को उपभागों में बांटना क्या होता है, रेमिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, विषयों को क्या होता है कि उपभागों में बांटा जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन, रेमिफिकेशन। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे 15वें संस्करण के ऊपर। यहां तक यही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा 16वें संस्करण से। अब अपन बात करते हैं 15वें संस्करण की। अच्छा जी, 15वें संस्करण में यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। मैन मैन यहाँ यही पूछने वाला है कि संपादक कौन था, वो ही गजनी, गजनी याद रखना। और ये फ्लावर थोड़ी सॉरी गलती हो गई थी, और डब्ल्यू गेटवेल। उसके बाद में इसमें सारणी टेबल्स का प्रयोग किया गया, इस पे टेबल कितनी आई थी, शुरू में 7 आई थी, उनका अपन आगे अध्ययन करते रहेंगे। रेमिफिकेशन की अवधारणा ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये आने वाला क्वेश्चन है कि रेमिफिकेशन होता क्या है, विषय को उपभागों में बांटना क्या होता है, विषय को उपभागों में बांटना रेमिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रेमिफिकेशन की अवधारणा कौन से संस्करण में दी गई थी। तो अपने को जो संस्करण में दी गई थी वो 14वें संस्करण के अंदर दी गई थी। चले आगे। ठीक है, अपन बात करते हैं 15वें संस्करण की। ठीक है, 14 कंप्लीट, बजनी बजनी सब रह गए वहीं की वहीं। अब आगे चलेंगे अपन। ठीक है जी, 15वां संस्करण आता है 1951 के अंदर। कब आया जी, 51 के अंदर। ज्यादा वहां थोड़ी ध्यान रखनी नहीं है अपने, उल्टा करना है इसको, बस सीधा ध्यान रखना। 1900 तो चल ही रहा है अपना, वो तो चलेगा ना, 1800 के बाद में 1900। अब 1900 के आगे अपन क्या देखते हैं कि ये जो 15 है इसका उल्टा करके रख दो जी, कितना हो गया, 51 हो गया जी, कितना हो गया, 51। पेज कितने थे, यहां से पूछ सकते हैं कि 15वें संस्करण में पेज कितने, तो पेज कितने हो गए, ये लो जी 2 पेज बढ़ा दो इसके, कितने हो गए, 53। आया कब, 1951 में जी। कौन सा संस्करण, 15वां, उल्टा कर दो, 15 को उल्टा करोगे बनेंगे कितने, 51 जी। क्या हो गया, पेज कितने हो गए उसके, 2/2, 53 हो गए बस। अब यहाँ संपादक की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ संपादक था वो मिल्टन जे फर्ग्यूसन। उनको भूल जाओ, इसको गजनी को भूल जाओ, गेटवेल को भूल जाओ, फ्लावर को भी भूल जाओ, शोमर को भूल जाओ, अब आ जाओ मिल्टन जे फर्ग्यूसन। ठीक है जी, मिल्टन जे फर्ग्यूसन के नाम से संपादित हुआ था। ठीक है जी, अब अपन बात करते हैं इस संस्करण को क्या नाम दिया गया। इस संस्करण को ज्ञान के साथ, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया, ज्ञान के साथ विस्तार के नाम से जाना गया। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान के साथ विस्तार कौन से संस्करण को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जी 15वें संस्करण को। अब देखो भाई लोगों, एक छोटी सी और चीज ध्यान में रखना कि जो 15वां संस्करण है वो मानक संस्करण के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, किस संस्करण में, मानक संस्करण के रूप में जाना जाता है। इस संस्करण का एक ही खंड था जी। अब खंड की अपन बात करते हैं, खंड का मतलब होता है भाग। अब डीडीसी को क्या है कि 4 टुकड़ों में बांटा गया था। मैं खंड वगैरह आपको आगे बता दूंगा, जैसे 1 से 15 तक तो कितने खंड रहे भाई इसके, एक भाग में एक खंड रहा। ठीक है, अभी तो क्या है कि थोड़ी सी अपनी ये चल रही है याद करने की ट्रिक, तो बीच में अगर अपन खंड वगैरह ये देखेंगे ना, तो ये पिछले वाला जो मैटर सारा भूल जाएंगे अपन। अपने को भूलना नहीं है, इनको भी याद करके चलना है डायरेक्ट साथ के साथ में। ठीक है, तो 1 से 15 तक कितने खंड रहे इसके, एक। ठीक, अब चलते हैं आगे। इस संस्करण तक एकमात्र ही खंड था, यह संस्करण एडब्रिज संस्करण कहलाता है। जबकि एडब्रिज कहेंगे अपन, कहेंगे किसको, तो वो ध्यान रखना आप, किसी संस्करण को संग्रहित तथा संक्षेप्त किया जाता है। पहले तो उसको इकट्ठा करो, उसके बाद में उसको क्या कर दो, छोटा कर दो, उसको ही क्या कहेंगे अपन, एडब्रिज। तो अपन बात करें कि सबसे छोटा है जो एडब्रिज संस्करण था, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कौन से संस्करण को एडब्रिज संस्करण कहते हैं और किस लिए कहते हैं। ठीक है, एडब्रिज संस्करण किसको कहते हैं अपन, तो ये याद रखना, किसी संस्करण को
क्या करते हैं, एक तो ये वर्ड पकड़ लेना, संग्रहित करो और उसको क्या कर दो, संक्षेप छोटा कर दो उसको, बिल्कुल ठीक है जी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चलें अपन आगे। ठीक है जी, ये लो छोड़ो संस्करण। संस्करण सभी के याद हो रहे होंगे, डेट भी याद हो रही होगी, पेज भी याद है, संपादक भी याद है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है और जो मेन मेन चीजें थी वो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि इसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल था, ये पॉकेट संस्करण कहलाता है, इसमें रेमिफिकेशन की अवधारणा दी गई, ये चीजें मैं आपको मेन मेन जहां से क्वेश्चन बनने लायक है ना वहां से मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। ये लो जी 16वां संस्करण। 16वां संस्करण आता कब? 15वां कब आया था? 1951 में। 16वां कब आ रहा है? 58, ठीक है। 50 वाली जो संख्या में है, 51 के बाद में दूसरा संस्करण 58 में आ रहा है, फिर अपन 60 का विक्रम ऐड कर देंगे। पेज कितने थे जी इसमें? 2439। अब ये याद रखना है यहाँ भी, जो 1951 से लेकर 1958 तक, सॉरी 1960 तक कितने संस्करण आ रहे हैं अपने पास? अभी तक दो आए, कितने? दो। बस इन चीजों को याद रखना अपने को। फिर जो 17वां संस्करण है वो आगे, अब यहाँ तो दो ही संस्करण खत्म हो जाएंगे इस वाली में, 60 वाली में, ठीक है। इसका प्रकाशन है जो दो खंडों में किया गया था। अब ये खंड क्या होने हैं? वो डीडीसी के चार भाग कर रखे हैं। 23वें संस्करण तक इसके कितने भाग हैं ये याद रखना, 23वें संस्करण तक कितने भाग हैं इसके? चार भाग हैं जी, ठीक है। खंड का मतलब होता है इसकी कितनी किताबें बन रही, ठीक है। नॉर्मल याद रखो कि कितनी किताबें हो गई, 1 से 15 तक कितनी किताबें चल रही थी यहाँ? एक किताब चल रही थी, एक बुक, ठीक है। अब कितनी बुकें चल गई? तो ये लो जी 16-17 की हो जाएंगी, दो। कितनी हो जाएंगी जी? दो बुक, ठीक है। यही होता है इनका खंड, ठीक है। दो खंड थे, प्रथम खंड थी वो अनुसूची कहलाई, जो पहला खंड था वो अनुसूची, जो क्या है कि 1 से 15 तक चली थी। दूसरा खंड था वो क्या कहलाता है? अनुक्रमणिका। क्या कहलाता है जी? अनुक्रमणिका। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले जो मतलब 16वां संस्करण है उसका प्रथम खंड क्या कहलाता है और दूसरा खंड क्या कहलाता है। ये लो जी, अब आगे चलो संपादक के लिए। अपने संपादक की बात करें अपन, तो संपादक कौन था? बेंजामिन ए कटर। ये कौन था जी? सीए कटर का पिताजी था, सॉरी बेटा था, सीए कटर का बेटा था। अब सीए कटर कौन था इसके बारे में थोड़ा देख लो आप। यही सीए कटर है जो अपन इसको किस में पढ़ेंगे जी? सूचीकरण में पढ़ेंगे इसको। सूचीकरण में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, ठीक है। ये इनका पुत्र था, बाप तो चला गया सूचीकरण में, बेटे को छोड़ गया वर्गीकरण, ठीक। एक तो इसका था बेंजामिन ए कटर, कौन से का? 16वें का। एक था हॉकी। अब याद रखना कि जो कटर था वो हॉकी का प्लेयर था, बस यही याद रखना। यहां से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, एक इसमें फोनिक शेड्यूल्स का प्रयोग किया गया था। अब फोनिक शेड्यूल होता क्या है वो भी तो देखे ना अपन। तो फोनिक शेड्यूल है जो वर्गीकरण में संपूर्ण विषय को बदल देना, यदि उस विषय में कोई बदलाव होता है तो उसे फोनिक शेड्यूल कहते हैं। क्या होता है कि कई बार अपन कोई मतलब कोई विषय वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, गलतियां हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उस गलती में चेंजमेंट ना करके पूरे के पूरे विषय को ही बदल दिया जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? फोनिक शेड्यूल कहेंगे जी। याद रखना इस चीज को कि फोनिक शेड्यूल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया? 16वें संस्करण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, ठीक है, देख लेना वापस से। 16वां संस्करण 58, 15वां तो 51 में आ गया था, उसके बाद में 60 की लाइन में यही है। पेज इसमें 2439 थे, प्रकाशन दो खंडों में हो गया था, खंड मैंने आपको बता दिए। प्रथम खंड अनुसूची को लाई, दूसरा खंड अनुक्रमणिका कहलाई, संपादक बेंजामिन ए कटर था, दूसरा हकीम था, इसमें फोनिक शेड्यूल का प्रयोग किया गया। फोनिक शेड्यूल अपन कहते किसको है ये थोड़ा सा याद रख लेना कि संपूर्ण विषय को ना बदलकर, सॉरी उसमें जो बदलाव होता है उसको ना बदलकर संपूर्ण विषय को ही बदल दिया जाता है, सॉरी वर्गीकरण में संपूर्ण विषय को बदल देना यदि उस विषय में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करते हैं अपन 17वें संस्करण। 16 संस्करण तक अपन ने डेट भी याद कर ली, साथ में पेज भी जो जो अपने अपने को मेन मेन देखने थे वो देख लिए। अब जो 17वां संस्करण है उसके बारे में अपन बात करते हैं। संपादक भी याद हो रहे हैं, खंड भी याद हो रहे हैं
और जो अपने दो खंड कौन कौन से थे, पहले में तो एक ही खंड चल रहा था 1 से 15 तक, तो वो थी अनुसूची। दूसरा खंड जो चला अनुक्रमणी का, याद रखना इस चीज को। अब जो 17वां खंड, जो याद रखना, ये याद रखना, 17 पे अपन बोलते थे कि खतरा होता है भाई, क्या होता है खतरा, ठीक है, युद्ध हुआ था 65 वाला, याद रखना, क्या हुआ था युद्ध 1965, हो गया कंप्लीट 17 पे खतरा कब, 65 में, ठीक है। अब इसमें जो पेज है वो 2153 पेज है। प्रश्नों को थोड़ा आपको देखना ही पड़ेगा, इनको बार बार में रटना ही पड़ेगा प्रश्नों को। प्रश्नों की कोई ऐसी ना तो अपने को कोई ट्रिक मिलेगी, ना इसमें कोई अपने को चेंज में ऐसे मतलब कि आप इजी तरीके से इनको याद कर लो। हाँ ये जरूर है कि इनमें मेन मेन प्रश्नों के बारे में जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ वो याद करने हैं आपने। इसका प्रकाशन 2 ही खंड, वो ही है, एक तो अनुसूची जी, कौन सी अनुसूची, और दूसरी की कौन सी थी अनुकर्मणि का, वही खंड चल रहे हैं अनुकर्मणि का। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनकी डेटें याद रखो, इनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो याद रखो। प्रथम खंड अनुसूची, और इसमें भूमिका प्लस में हो गई थी, कितने प्रश्नों की थी 1254। दूसरा खंड था अनुकर्मणि का, वही कितने प्रश्न आए 1899, दोनों को जोड़ोगे सॉरी 1254 और 1899 समथिंग 2153 दोनों के, ठीक है। हुआ क्या, अनुसूची प्लस भूमिका कर दी, कितने प्रश्नों की 1254। अब इसको जो संपादक था वो कौन था, संपादक वो ही चल रहा है जो अपने का किसका था, 16वें का था, कौन, कट्टर और डियाकी, ठीक है। अब जो 15वें को नाम दिया गया था क्या, ज्ञान के साथ विस्तार, अब 17वें को नाम दे दिया साथ साथ विस्तार, क्या नाम दिया गया साथ साथ विस्तार। तो इस चीज को अपने को इंपोर्टेंट मान के रखनी है भाई, क्या रखना है इंपोर्टेंट मान के चलना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको पूछे जाने की संभावना अपन देख देंगे, नहीं रे यार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, और ये क्वेश्चन अपने को कंफ्यूजिंग करते हैं, क्योंकि देखा अपने 15वें में ज्ञान के साथ विस्तार और साथ साथ विस्तार, कितना फर्क इन दोनों, लेकिन क्वेश्चन देखो कितने शानदार बनते हैं यहाँ से। अगला अपने सामने सामने क्वेश्चन ये रख दिया कि साथ साथ विस्तार, तो अपन तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना 15वें में या 17वें। इस संस्करण में दशा संबंध, जिनको अपन क्या बोलते हैं फेज रिलेशन का, सॉरी इस संस्करण में दशा संबंध जिनको अपन क्या बोलते हैं फेज रिलेशन, उनकी क्या की गई थी, कल्पना की गई थी, क्या की गई, कल्पना ही की गई थी मात्र। तो यहां से भी क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि फेज रिलेशन की कौन से संस्करण में परिकल्पना की गई, तो वो था 17वां जी, याद रखना। इसमें स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नाम बदलकर, पहले में क्या रखा था फ्रॉम डिवीजन, सॉरी दूसरे में क्या रखा था फ्रॉम डिवीजन, फिर इसको कौन से में बदला 13वें में बदल दिया गया, क्या रखा स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नाम से, इसमें वापस से कौन से में 17वें में बदल दिया, क्या नाम रखा फ्रॉम डिवीजन के नाम से। अब ये देखो ये चेंजमेंट बार बार हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन और भी अच्छा बनता है कि फ्रॉम डिवीजन, फिर स्टैंडर्ड फ्रॉम डिवीजन, स्टैंडर्ड फ्रॉम डिवीजन से फिर फ्रॉम डिवीजन के नाम से यहाँ चल रहे हैं, ये क्या है आइसोलेट, ठीक है जी। चले आगे, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो देख लेना एक बार, थोड़ा बता दें। अब बात करते हैं अपन 18वें संस्करण की, कौन से की 18वें की, 18वां संस्करण क्या था, कब आया, ठीक 65 में कौन सा था 17वां, 71 में कौन सा आ रहा है 18वां, किसमें 71 में, प्रश्न कितने हैं 2684। 65 के बाद में कौन से में आया 71 में, 65 के बाद में कौन से में आ रहा है 71 में, ये याद रखना। संस्करण की डेट कोई के किसी भी संस्करण की डेट पूछ सकता है पूछने के लिए, इसका संपादक कौन था वो ही है, इसमें कौन हट गया होकिन, हट गया है होकिन, ठीक है, डी होकिन नहीं है कटर है, तो कटर कटर के द्वारा कितने 3 हो गए अपने सामने संपादित होते हुए, कि भाई 3 का तो ये बार 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 में संस्करण का संपादक कर रहा है, संपादक बन रहा है। इसका प्रकाशन 3 खंडों में किया गया था, ये लो जी इसके 3 खंड हो गए, पहले कितने थे 1 से 15 कितने थे 1, 16 से 17 कितने रहे जी 2, 18 19 कितने रहेंगे जी 3, ठीक है, और 20 से लेके और 23 तक कितने रहेंगे जी 4। अब इन खंडों की अपन आगे बात करेंगे, इनको अच्छे से देखेंगे, जो बीच में अपनी सारणी आई थी उसको भी देखेंगे, जो अपन ने वो विषय विभाजन किया था 000 से लेकर 999 तक की उसको भी देख लेंगे अपन,
ठीक है, इतना कोई मतलब भारी नहीं है इसके अंदर कि ये याद नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको बस ऐसे याद रखो कि 1 से 15, 1 16 17 2, 18 19 3, और फिर 20 से लेके 23 तक कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, प्रथम खंड था सारणी, क्या जुड़ गई इसमें? टेम्पल, सारणी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कितने प्रश्नों की थी? 460 की। यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सारणी के कितने प्रश्न थे, अनुसूची के कितने प्रश्न थे, या अनुक्रमणिका के कितने प्रश्न थे? अनुसूची के बन रहे हैं 1168, ठीक है, अनुक्रमणिका के जो प्रश्न बन रहे हैं 1056, टोटल मिला के कितने बन जाएंगे? 2684। कितने खंडे हैं? 3 खंडे हैं जी, ये लो जी 3 टुकड़े, ऐसे बड़ी बड़ी किताब आती है 3, इनको ही खंड बोल दिया। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये तीसरा जो खंड था वो कौन सा निकला था? 18वें में। कितने तक चलेगा? 19 तक। उसके बाद में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये कुल प्रश्न है। डीडीसी के 14वें संस्करण में टेबल्स का नाम क्या रखा था? सॉरी, वहां एक क्वेश्चन छूट गया था अपना, कि वहां टेबल्स को रखा गया था कौन से में? 14वें संस्करण में। किस नाम से रखा था? लाइक डिवाइस के नाम से रखा था, डिवाइस लाइक के नाम से रखा था, जिसका नाम बदलकर यहां क्या कर दिया? एंड टू। टेबल्स का सॉरी टेबल्स रखी कहां गई थी? 14वें संस्करण के अंदर। 14वें संस्करण में टेबल आई, फिर जो अपना 18वां संस्करण था उसमें उनका नाम बदला। वहां तो आई थी डिवाइस लाइक के नाम से, और यहां उनका नाम बदल दिया गया, तो नाम बदलकर उनका किया गया एंड टू। यहां भी क्वेश्चन अच्छा बन रहा है, देखने लायक क्वेश्चन है कि भाई जो 14वें संस्करण के अंदर टेबल्स आई थी उनका नाम क्या था, तो अपन बताएंगे डिवाइस लाइक, और उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो एंड टू कर दिया गया। ठीक है, ये जो अपनी टेबल चल रही है 60 टेबल थी, इनको अपन आगे देख लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे। इसमें पश्य पद शब्द का प्रयोग किया गया, इस पश्य पद शब्द का प्रयोग किया गया, तो एग्जाम में पूछा जाए कि पश्य पद शब्द का प्रयोग कौन से संस्करण में हुआ था, तो 18वें में हुआ था, ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज इसमें और हुई है कि इसमें जो फोनिक शेड्यूल प्रयोग किया गया था कौन से संस्करण में? 16वें संस्करण में हुआ था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फोनिक शेड्यूल है ना, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वो कानून के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए जी? कानून के लिए। फोनिक शेड्यूल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया? 18वें के अंदर। वैसे फोनिक शेड्यूल का मतलब क्या होता है वो आपने अभी देख लिया, पूरा कंप्लीट चल रहा है अपना। बाकी एक चीज याद रखना कि हर चीज को रटते हुए चलना, यहाँ से दिमाग में सेट करते हुए चलना कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से दिमाग में आपकी सेट हो जानी चाहिए, वहीं की वहीं वो चीज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले, कभी भी उठा के नींदों में पूछ लेना कि फलाना संस्करण का संपादक कौन था, कब आया, इसमें क्या क्या बदलाव हुए, तो उनमें ज्यादा झिझकना ही नहीं है अपने को। ठीक, अब बात करते हैं अपन 1969 में। ठीक है जी, 19वां संस्करण। सर आपका आपकी डेट ऑफ कितनी है? ठीक, ये लो जी, मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखी है अपने गुरु की लास्ट की जो है ना जन्म डेट, उसको याद कर रखी। क्या है उनका डेट ऑफ? श्री बी एल तंवर का यही है, वह 1979। याद रखना इस चीज को कि उनके जन्म से याद कर लो कि 19वां संस्करण कब आया, 1979 के अंदर। ठीक है, ये याद रह जाएगा, मैंने तो इसी तरीके से याद किया है। पेज आए थे इसमें 3273। ठीक है, इस संस्करण को 3 खंडों में प्रकाशित किया, वही चल रहे हैं खंड, तो सारणी, अनुसूची, अनुक्रमणिका, तीनों को मिला के कितने पेज हो गए? 3273। ठीक है, संपादक कौन कौन था इसमें? संपादक की अपन बात करें तो बेंजामिन एकटरी इसका संपादक था। ठीक है, बेंजामिन एकटरी चल रहा है उसके बाद में। फोटो कंपोजिशन मशीन का इसमें प्रयोग किया गया था जी, ये लो मेन क्वेश्चन यहां से बनता है कि फोटो कंपोजिशन मशीन का प्रयोग कब किया गया, कौन से संस्करण में किया गया? तो 1879 के अंदर अपन बोल सकते हैं इसको, सॉरी 1979 के अंदर अपन बोल सकते हैं। कौन से संस्करण के अंदर किया गया? तो 19वें संस्करण के अंदर किया, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन दोनों साइड से पूछ सकता है कि कब किया गया, तो 1979 के अंदर, और वैसे पूछ ले संस्करण के बाद लिए तो 19वें संस्करण के अंदर इसका प्रयोग किया गया। भारत के समस्त संस्थाओं के अंदर, डीडीसी के 19वें संस्करण का ही उपयोग ज्यादा होता है। तो भारत में नहीं, ज्यादातर देखते हैं तो अपना भारत के अंदर ये जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं अपने लाइब्रेरी से संबंधित, उनमें सबसे ज्यादा कौन से संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है? तो वो 19वें संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर 22वें
संस्करण का इसमें प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर कौन से संस्करण का? 22वें का। राष्ट्रीय पुस्तकालय है कहां जी? कोलकाता के अंदर। वहां कौन सा संस्करण यूज करते हैं? 22वां संस्करण यूज करते हैं। ठीक है, पूछ ले कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां है, तो सीधा कोलकाता लगाना, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और देखो यहां से एक तो ये फोटो कंपोजिशन मशीन वाला, एक ये कि भई ये तो सीधा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से संस्करण का प्रयोग किया जाता है, तो 19वें संस्करण का प्रयोग किया जाता है। 19वां संस्करण आया कब था? 1979 के अंदर आया था। ठीक है जी, 20वां संस्करण याद रखना भाई, वो कब आया था? 179 के अंदर। ये कब आ रहा है? 10 साल बाद याद रखना। 19वां 179 के अंदर, यही 10 बढ़ाते रहो, बढ़ गए 10, कितना हो गया? 189। ठीक है, पेज कितने आए? 33-0। कितने थे भाई? 33-0 प्रश्न। अब एक चीज जरूर याद रखना कि जो प्रश्न संख्या थी वो 19वें की भी पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला संस्करण है जी। कौन सा था? 19वां संस्करण। इसलिए इसकी प्रश्नों की संख्या अपने से पूछ सकता है कि 19वें संस्करण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 32-73 थी। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 20वें संस्करण की। 20वां संस्करण कब आया? 20वां जो संस्करण है वो 1889 के अंदर, कितने साल बाद में? पूरे 10 साल बाद में आया था। प्रश्न कितने हो गए? 33-0। ठीक है, प्रकाशन 1 अप्रैल 1989। यहां से डेट भी पूछी जा सकती है, यहां से इसकी डेट अपने को मिलती है कई किताबों में देखने के लिए, तो अपन ने उसकी डेट वहां से उठा ली। संपादक जेपी कामारोमी व बेंजामिन ए कटर। कटर चल रहा था वहां भी, लेकिन यहां अपन ने किसको ले लिया? जेपी कामारोमी को। ठीक है, चलो इसमें पुनर्निर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पुनर्निर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया। 20वें संस्करण में ज्यादातर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा था क्या, कि इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो पुनर्निर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया। कौन से संस्करण में? 20वें में। कब किया गया? 1889 के अंदर किया गया था। इसके संपादक कौन थे? तो एक तो जेपी कामारोमी हो गए, एक सीए कटर हो गए। इस चीज का ध्यान रखना, बस यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे वाले में देखते हैं अपन क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। 21वां जो संस्करण है जी, 21वें संस्करण, 21वां संस्करण आया कब था? 1896 के अंदर। वो कब आया था? 89 के अंदर। उसके बाद में अब डायरेक्ट कब आया? 96 के अंदर। 21वां कब आया? 96 के अंदर। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से डेट कुछ चीज आती है। ठीक है, पेज कितने थे? 4115 प्रश्न। ठीक है, संपादक कौन था? यहाँ जॉन मिचेल हो गया था। अब कौन हट गया? बेंजामिन ए कटर चल रहा था, वो हट गया। अब कौन आ गया? जॉन मिचेल। इसको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, जैसे 19वां हो गया, 21वां हो गया, 22वां हो गया, 23वां हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मतलब ये डिजिटल करण में आ गए थे, ये सारे के सारे सीडी रोम के अंदर प्रकाशित हो चुके थे, इसलिए इनको सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। और इनके बारे में पूछा जाता है कि 21वां संस्करण कब आया, पृष्ठ संख्या तक, संपादक तक पूछते हैं। इसके खंड भी पूछ सकते हैं कि जो चार खंडों में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो संस्करण था वो कौन सा था। तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि जो चौथा, सॉरी 21वां संस्करण था, वो चार खंडों में प्रकाशित हुआ था। चार खंड मतलब चार किताबों में, 1 से 15 तक एक किताब थी, 16-17 की 2 हो गई, 18-19 की 3 हो गई, और 20-21, 22 और 23 लास्ट की जो चार किताबें थी उनके कितने खंड हो गए जी? 4 हो गए। ये याद रखना। ठीक है, सीडी रोम 1993 में आ गया था। अब क्या होता है कि अब ये बोलते हैं कि सीडी रोम के रूप में कौन सा संस्करण आया, तो बोलते हैं 21वां। 21वां संस्करण कब आया? 1996 के अंदर। लेकिन क्या हुआ था कि सीडी रोम जो आया था वो 1993 के अंदर ही तैयार हो गया था, लेकिन 1993 के अंदर कोई संस्करण नहीं आ पाया, इसलिए इसको कब प्रकाशित किया गया जी? 1996 के अंदर। एक इसमें कंप्यूटर पद्धति के ऊपर भी बहुत मतलब ध्यान दिया गया था। ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर पद्धति पर विशेष ध्यान कौन से संस्करण में दिया गया, तो 21वें में। कैसे दिया गया? तो वो जो अपने सीडी रोम की बात कर रहे हैं ना, कि सीडी रोम के रूप में आया था, इसीलिए इसमें
ध्यान दिया गया था कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसमें सॉरी कौन से संस्करण में कंप्यूटर पद्धति पर विशेष ध्यान दिया गया, तो कौन सा संस्करण था 21वां। 21वां संस्करण आया कब? 96 के अंदर। ये जो मतलब सीडी रोम था वो बन तो गया था 93 के अंदर ही, लेकिन वहां कोई संस्करण प्रकाशित नहीं होने की वजह से इसको कब 96 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब अपन की इसकी बात कर लें थोड़ी सी और। तो ये जो चल रहा था अभी तक एक से लेके कितना 20 तक, याद रखना यहां से एक से लेके 20 तक एक ही चीज में किसमें पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहा, किसके रूप में पुस्तक के रूप में। उसमें खंड आते गए थे भाई, एक खंड, एक किताब, दो किताब, तीन किताब और चार किताब, ऐसे किताब बनती गई थी। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि पुस्तक के रूप में और सीडी रोम में दोनों फॉर्मेट में ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बाकी तीन फॉर्मेट भी आते हैं इसके, वो अपन आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, पुस्तक प्लस सीडी रोम में प्रथम संस्करण कौन सा आया? तो 21वां संस्करण आया था। ओके जी, अब 22वां संस्करण चलते हैं अपन। संस्करणों को याद करते हुए चलना, डेटे याद करते हुए चलना, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें डेटे वेटे याद रखने में। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं डेटों के ज्यादातर, डीडीसी का काम मतलब लाइब्रेरी में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो डेटों के साथ साथ में याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएंगे इनको। अब जो 22वां संस्करण है वो कब आ रहा है? 2003 में। कब आया जी? 2003 में। 21वां संस्करण कब आया? 96 में। 22वां कब आया? 3 में। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 40 मतलब 4076 पृष्ठ थे। 40 76 4076 पृष्ठ थे। संपादक कौन था? वो जी दो जो लास्ट के थे 1996 वाला और 2003 वाला, उनके कौन थे संपादक? जॉन मिचेल। ठीक है, उसमें क्या था? कंप्यूटर पद्धति पर विशेष ध्यान दिया गया था। कौन से में? जो 21वां संस्करण था। कैसे दिया गया था? तो वो सीडी रोम के रूप में आ गया था। अब माइकल पेंजर का नाम आता है, वो कौन थे? वो इसके एडिटर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एडिटर माने। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश। ये तीन फॉर्मेट हो गए जिसके। अब जो 22वां संस्करण है उसके तीन फॉर्मेट कैसे हो गए? अब देखना, पहला तो आया बुक के रूप में, किताब के रूप में, जिसको बोल सकते हैं अपन बुक के रूप में। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि प्रिंटिंग के रूप में। क्या बोल सकते हैं? प्रिंटिंग के रूप में। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा। एक तो ये हो गया, दूसरा अपन देखेंगे सीडी रोम के रूप में। सीडी रोम के रूप में दो फॉर्मेट हो गए। अब जो तीसरा फॉर्मेट यहां से बनेगा वो ऑनलाइन फॉर्मेट मिल जाए। कौन सा? ऑनलाइन। अपन बात करें कि डीडीसी का कौन सा संस्करण ऑनलाइन संस्करण कहलाता है, तो कौन सा संस्करण? ये 22वां संस्करण कहलाता है। ठीक है, डेवी फॉर विंडोज, याद रखना डेवी फॉर विंडोज कौन से संस्करण को कहा जाता है? 21वां। अब बात करते हैं अपन 23वें संस्करण की। कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण, जो अंतिम संस्करण है, 2011 के अंदर आया है। ये तो सभी को याद होता होगा, डेट तो इसकी तो इजी सी है, 31-43 इसमें प्रश्न है। ये आराम से इजी वाली डेट है इसमें 31-43। ये जो प्रश्नों की संख्या है बहुत इजी है, याद रखना इनको आराम से याद हो जाते हैं 41-43। ठीक है, संपादक की अपन बात करें तो वो जोन में चल रहा है। वर्तमान में इसका प्रकाशन कहां से हो रहा है? ओसीएलसी के द्वारा। ओसीएलसी एक संस्था थी, कहां की है? अमेरिका की थी। कब बनी थी? 1967 के अंदर जी। कब बनी थी? 1967 के अंदर। ठीक है, प्रकाशन कहां से हो रहा है? प्रकाशन कहां से हुआ था? फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा। ठीक, कोलन क्लासिफिकेशन सॉरी, इसका प्रकाशन जो होता है किताब के रूप में, जो बुक फॉर्मेट अपन बता रहे हैं वो फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन होता है, और ऑनलाइन जो हो रहा है वो ओसीएलसी के द्वारा इसका प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, अपन ये अपन थोड़ा सा कल देख लेंगे, आज इन संस्करणों के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि भाई अपन ने 23 संस्करण कंप्लीट कर लिए। कल आगे अपन इनके बारे में देखेंगे कौन सा संस्करण संक्षिप्त था, कितनी सारणी थी उसके, कल इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज, और आगे जो टेबल्स वगैरह हैं और थोड़ा बहुत और भी इनके बारे में जो मैं क्या बोलते हैं उनको खंड जो मैंने बताए हैं आपको, और टेबल्स होगी उसके बाद में जो 0 से 000 से लेकर 999 तक का जो मैटर है
वो भी आपको यही आराम से इजी तरीके से अपन बता देंगे। फिर उन क्लासों को जैसे एक एक क्लास 10 10, जैसे मतलब भी 0 10 हो गए, 0 20 हो गए, 0 30 हो गए, उस हिसाब से बांटते हुए अपन चलेंगे। तो इस हिसाब से अपने सारा यही की यही समझते रहेंगे। और एक चीज याद रखना कि भाई जो यहाँ देख लिया ना एक बार, उसके बाद में थोड़ा सा इसको एक बार रीड आउट कर लेना, उसके बाद में ये नहीं भूलने की चीज नहीं है, एक बार दिमाग में सेट होगी तो होगी। जय हिंद साथियों, राम राम।